हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट और वी कैन से प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन ऑर्गेनाइजेशन की बट 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 बिफोर दैट गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन ओके सो येस गाइज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ़ द स्टाफिंग बेसिक इंट्रोडक्शन हमने करा था हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हमने किए थे सो so गाइज़ अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग या देखो प्रोसेस ऑफ़ स्टाफिंग के अंदर ना बड़े सारे प्रोसेस हैं अब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाएगी आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग और रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है जरूरत मतलब जब हम स्टाफिंग करने चलते हैं तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमें यह इंश्योर करना है कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली में इंप्लाइज चाहिए कितने जब हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं नंबर वन आता है नंबर ऑफ़ दी एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत क्लियर है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है ये देखना सेकेंडली टाइप ऑफ द एम्प्लॉयज़ गाइज़ जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिशन करते हैं हम बस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ही नहीं साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए किस तरह के का मतलब हो गया गाइज़ क्या उनकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या उनका बैकग्राउंड होना चाहिए क्या उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए क्या उनकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए जब हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की तो इसके अंदर ब्रॉडली हमारे पास थ्री स्टेप्स आते हैं फर्स्ट आता है वर्क लोड एनालिसिस वर्क लोड का मतलब होता है काम का भार कितना है ये देखना वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनका एनालिसिस करना एंड लास्ट में हमारे पास आता है कंपैरिजन करना ठीक है मतलब कंपेयर करना आपस में मेल करके देखना कई जब हम बात करते हैं वर्क लोड एनालिसिस की नाम से ही पता चल गया वर्क लोड मतलब काम का एक एनालिसिस हमें कंडक्ट करना है कई ली जब हम वर्कलोड एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है और कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है बट ये ज़रूरतें हम कैसे देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए कौन कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क लोड एनालिसिस मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में काम है कितना एंड उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का एम्प्लॉय हमें चाहिए होगा और कितने नंबर में हमें वो एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे नेक्स्ट आता है गाइज वर्क फोर्स एनालिसिस वर्क जैसे नाम से ही पता चल गया एम्प्लॉयज अब हम यहां पर क्या देखेंगे गाइस कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर वर्कलोड एक्चुअली में कितना है ठीक है वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर हम ये देखेंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के ऊपर वर्कलोड कितना है हमारा एम्प्लॉय ओवर बर्डन है या हमारा एम्प्लॉय जो है वो अंडर बर्डन है आफ्टर दैट हम कंपैरिजन करते हैं वर्क लोड एनालिसिस का और वर्क फोर्स एनालिसिस का कंपैरिजन किसका होगा गाइस वर्क अगर मैं बात करूँ वर्क लोड एनालिसिस एंड साथ में हम लेते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस जब हम ये कंपैरिजन करेंगे तब हम ये देखेंगे अगर हमारा वर्क लोड एनालिसिस ज़्यादा है वर्क फोर्स एनालिसिस से मतलब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम ज़्यादा है बट काम करने वाले लोग कम हैं इसका मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज़ ओवरबर्डन हैं अगर हमारा वर्क लोड एनालिसिस कम है वर्क फोर्स एनालिसिस से इसका मतलब है काम कम है और एम्प्लॉय ज़्यादा है मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली रन नहीं कर सकती है इसीलिए गाइस जब भी हम स्टाफिंग करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें एक्चुअली में मैन पावर चाहिए कितना अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही एम्प्लॉयज़ खाली बैठे हैं तो आपको स्टाफिंग की मतलब आपको क्या ज़रूरत है कि आप और एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करोगे ठीक है इन द सेम वे अगर ओवरबर्डन स्टाफ है तो ऑब्वियस सी बात है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा ज़रूरत है ऐसे में कि आप और इम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करें सो भाई स्टेप नंबर वन हमारा रहेगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट टमोरो वी विल डिस्कस मोर स्टेप स्टे ट्यून एंड ये स्काइज अब से वीडियोज़ आपको थ्री थर्टी से फोर थर्टी के बीच में ही अपलोडेड हमेशा मिलेंगी सो ब बाय एवरी वन वी विल मीट टुमारो एंड प्लीज डोंट फर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब बाय एवरी वन